25 लाख पर यह क्वेश्चन पूछा गया था कि फर्स्ट टाइम राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल को संशोधित कब किया गया? 92। संविधान संशोधन 1992। ठीक, अब थोड़ा सा इसमें कुछ पॉइंट है, ऐड कर लीजिएगा इसी के आगे। पहले होगा कोटा, नहीं, वैल्यू ऑफ एमएलए, यानी एमएलए के वोटों की वैल्यू कितना होगी। टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, स्टेट पब्लिक इलेक्टेड मेंबर इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट असेंबली डिवाइड बाय 1000। एक राज्य का, एक एमएलए की वैल्यू लिख लेगी, एक राज्य की। हाँ, एक टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट यानी उस राज्य की विधान कितनी। हाँ, तो यूपी की जनसंख्या में राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों से भाग दे देंगे और उसके बाद 1000, तो फिर वैल्यू निकल जाएगी। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ एमपी, टोटल वैल्यू ऑफ एमएलए, टोटल वैल्यू ऑफ एमएलए ऑब्लिक इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी मीन्स विधान, एमएलए समझ रहे हो ना, एमएलए के एक वोट के मूल्य कितना होगा, उसका फार्मूला ये। एक एमपी के मूल्य कितने होंगे, उसका फार्मूला ये। एंड थर्ड, कोटा, कोटा इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट अपॉन नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर डिवाइड हो। एक यार, पहले नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर प्लस वन ये क्लियर हो गया। अब इसमें थोड़ा सा एक्चुअल इंफॉर्मेशन लिख लीजिए। पहला पॉइंट, राष्ट्रपति की पदावधि 5 वर्ष की होगी, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा आर्टिकल 56। दूसरा पॉइंट, भारतीय संविधान में
ये कहीं पर भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनर्निर्वाचित हो सकता है। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा आर्टिकल 57। नेक्स्ट पॉइंट, ये यूपीपीसीएस का बहुत पिट क्वेश्चन है। भारत के चतुर्थ राष्ट्रपति वीबी गिरी प्रथम गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति थे, पूछता है ना, प्रथम गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति थे। ठीक, तथा इन्हें निर्वाचित होने के लिए द्वितीय चरण के मतगणना का सहारा लेना पड़ा, मतगणना का सहारा लेना पड़ा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, नीलम संजीवा रेड्डी प्रथम निर्विरोध राष्ट्रपति थे। ठीक, नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट, यदि राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय निर्वाचक मंडल रिक्त हो तो उसकी रिक्तता का प्रभाव राष्ट्रपति के निर्वाचन पर नहीं पड़ेगा। ठीक, यानी मीस इसका मतलब है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन समय पर ही होगा। ठीक, अब इलेक्शन प्रोसेस समझ लेते हैं, इलेक्शन प्रोसेस है क्या इसका। कैंडिडेट नहीं समझ लो, केवल ठीक इतना समझ में आ रहा है कि ये लोग कैंडिडेट हैं प्रेसिडेंट के और ये लोग क्या है, वोटर है। अब जनरली अगर आपसे हम इलेक्शन में पार्टिसिपेशन की बात करते हैं तो किसी एक के जगह पर वोट दे देंगे, आपका वोट कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर। लेकिन यहां पर होता है कि जितने कैंडिडेट हैं सबको वोट देना है, सबको, यानी ए बी सी डी ई, सबको एक ही वोटर देगा वोट। तो जब सबको वोट देगा इसका मतलब कि वह अपनी चॉइस या अपनी पसंद देगा, क्लियर। जैसे सपोज दैट वन टू थ्री फोर एंड फाइव, यानी पी की पहली पसंद कौन है, दूसरी पसंद, तीसरी पसंद, चौथी, पांचवी। पी की पहली पसंद ए, थ्री टू फाइव फोर, ये भी निकल गया। ठीक, वन टू थ्री फाइव फोर, ये भी आ गया। टू वन फाइव फोर,
थ्री टू वन फाइव थ्री फोर वन फाइव थ्री टू फोर टू थ्री फोर फाइव एंड वन। इतना समझ में है, ये लेवल समझ में आ गया इस लेवल। अब इसके बाद इस यहां तक क्वेश्चन खड़ा हो, आपका जनरल प्रोसेस है, चल गया। इसके बाद काउंटिंग का स्टेप देखा जाता है, जो सबसे कॉम्प्लिकेशन वहीं पे है, ठीक है। अब इस इलेक्शन के बाद कोटा डिसाइड किया जाता है, ठीक। अब इस कोटा के तहत क्या है, टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट, नंबर ऑफ वैलिड वोट अपॉन नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर प्लस वन प्लस वन, यही है फार्मूला था। सपोज है नंबर ऑफ वैलिड वोट हम 15 लाख मान के या 20 लाख मान ले रहे हैं, 20 लाख नंबर ऑफ वैलिड वोट। भारत में राष्ट्रपति कितना होता है, एक प्लस वन प्लस वन एच कोल टू 10 लाख, ये कोटा हो गया, क्लियर। इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी कैंडिडेट तभी जीतेगा जब इतना वोट पा जाएगा, कोटे से ऊपर जाएगा। हाँ, क्योंकि 50% प्लस वन हो गया है, क्योंकि दो से भाग देंगे तो 50% हो गया, जीतने के लिए क्या है वन। यानी मीन्स कि बेदाव अगर कोटा के बराबर वोट नहीं पाता है कोई, तो काउंटिंग तब तक चलती रहेगी जब तक कि कोटा के बराबर कोई वोट ना पा जाए, ठीक। अब सपोज दैट ये है आपका फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस, फोर्थ चॉइस, ये चार ही चॉइस लास्ट तो बचेगा ही। मान लीजिए सपोज दैट ये ए बी सी डी ई पहले ही राउंड में ए 12 लाख वोट पा गया, ठीक। ये पा गए 5 लाख, ये पा गए 3 लाख, 11 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख एंड 4 लाख हो गया 14, 2, 16, 17 चार 21 हो गया। इसको 1.5 कर दीजिए तो 14, 16, 17 ठीक, ये रिजल्ट निकल गया। यानी मीन्स ए को पहली पसंद 11 लाख लोगों ने दिया है, यानी सबका पहली पसंद काउंट कर ली जाती है। अगर यहीं पर कोटा के बराबर वोट निकल गया तब तो आगे का स्टेप नहीं होगा। अगर अब दूसरी सिचुएशन ये अगर खड़ी हो जाए कि ए 9 लाख पा गया, बी 5 लाख पा गया, सी 3 लाख पा गया, दो और ये भी तो होगा, ये भी तो हो सकता है। अब कोई भी कोटा के बराबर वोट नहीं पाया तो यहां पर क्या होता है, यहां पर कि जो सबसे कम वोट पाएगा उसको बाहर निकालेंगे। यानी सबसे कम वोट कौन पाया, ई,
और इसका दूसरा वोट गिनेंगे, दूसरे नंबर का वोट, यानी मीन्स ये वाला वोट, समझ रहे हो कि नहीं? अब जब दूसरा वोट गिनेंगे और उस वोट को यहां पर ऐड किया जाता है, क्लियर? भाई हर आदमी के दूसरे वोट पड़े हैं कि नहीं, तो उस दूसरे वोट को गिनोगे कि नहीं गिनोगे? अब जब उस दूसरे वोट को कितना किसमें मिला है उसको ऐड कर देंगे। अब यहां पर कोटा अगर आ गया तब काउंटिंग खत्म हो जाएगी, अगर कोटा नहीं आया तो फिर जो सबसे कम वोट पाएगा उसको बाहर निकालेंगे और तीसरे लेवल की काउंटिंग होगी। यानी मीन्स यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि कोटा के बराबर कोई वोट ना मिले। समझ में आई बात? ठीक, नहीं समझ में फिर पूछ लीजिएगा एक बार। अब समझ आए? यही है सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, वोटों का ट्रांसफर हो रहा है। यार जैसे मान लो कि पी का दूसरा वोट, क्यू का दूसरा वोट, ये दूसरा वोट डिवाइड है कि दूसरा वोट गिने जाए, पहला तो सबके सबसे पहले ये गिना जा रहा है, ये गिना जा रहा है, समझ में आई कि नहीं भाई? उसके बाद ये गिना जाएगा, ये गिना जाएगा, ये गिना जाए, यही नंबरिंग तो है। यानी जिस लेवल पर काउंटिंग चल रही उस नंबर को क्या करेंगे, हम गिनेंगे। और बीबी गिरी ये सेकेंड लेवल पर जाके काउंटिंग किए थे। अब सुनिए कैसे हुआ था ये, इसका कंसेप्ट क्या था कि कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे कामराज, ठीक, और एसएमटी गांधी, ठीक, एसएमटी गांधी प्राइम मिनिस्टर थी और कामराज पार्टी अध्यक्ष थे। कामराज ने पार्टी का कैंडिडेट नीलम संजीवर रेड्डी को बना दिया, ठीक, समझ में आई बात? और श्रीमती गांधी नीलम संजीवा रेड्डी को पसंद नहीं करती थी, इसलिए इन्होंने वीबी गिरी को बना दिया। और वीबी गिरी उस समय वाइस प्रेसिडेंट थे, अब रिजाइन करना है उनको, ठीक। अब और इधर अपोजिशन सुब्बा राव को बना दिया, वही सुब्बा राव जो गोलकनाथ का मामला देख रहे हैं, समझ रहे? अरे कैंडिडेट बना दिया, प्रेसिडेंट का कैंडिडेट बन गया, ठीक। अब श्रीमती गांधी, कामराज, नीलम संजीवा रेड्डी कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल कैंडिडेट हैं और बीबी गिरी श्रीमती गांधी के कैंडिडेट हैं, क्लियर? अब समझ में आ रही है बात? श्रीमती गांधी ने निर्वाचक मंडल के समक्ष ये एक भाषण दिया कि आप लोग अपनी अंतर आत्मा से अपने मताधिकार का प्रयोग करिए, इतना ही बोला केवल। इसका मतलब ये निकलता है कि श्रीमती गांधी नीलम संजीवा रेड्डी को नहीं चाहती थी कि राष्ट्रपति से बने, इसलिए कांग्रेस का ऑफिशियल कैंडिडेट हार गया, श्रीमती गांधी का कैंडिडेट जीत। इसीलिए कहा जाता है कि फर्स्ट नॉन कांग्रेसी प्रेसिडेंट इज बीबी गिरी। ये श्रीमती गांधी का कैंडिडेट है और ये कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट हैं। ये इसीलिए इसे लिख देते हैं पार्टी बेस कैंडिडेट, बेस कैंडिडेट हार गए जब ये जीत गए, ठीक। और ये है पर्सनालिटी बेस कैंडिडेट, दोबारा काउंटिंग, हाँ उसमें सेकंड स्टेप में जाके, ये क्लियर? आप समझ में आ गई बात?
उसके बाद निर्विरोध होते हैं, जनता पार्टी के राज में आते हैं। हाँ ठीक,